Hello young MBAs, I'm sure by now all of you must be very clear with what Shark Tank is all about. Now that हमें पता है कि हमें Shark Tank में क्या करना है, in this short video, I am going to talk about certain mistakes, some silly errors that we need to avoid in order to give our best shot. So, एक अच्छा Shark Tank presentation करने के लिए what are the certain do's and don'ts that we need to keep in mind is what we are going to discuss in this presentation. So stay here with me and make sure आप इसमें से maximum चीज़ें follow करें. Do's and don'ts समझने से पहले let's understand what is the process that we need to keep in mind. There are three steps that we need to follow. The first one being prepare, practice and present. All right? So in सारे processes में, इन तीनों processes में हमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो करनी चाहिए और जो avoid करनी चाहिए वो हम discuss करेंगे. To start with, पहले समझते हैं कि जब हम preparation stage में हैं तो हमें क्या करना चाहिए. ऑल राइट, सो बिफोर यू फाइनलाइज अ टॉपिक और यू कम डाउन टू एनी पर्टिकुलर आइडिया, इट इज़ वाइज टू रिसर्च वेल, टू गो थ्रू अ सर्टन आर्टिकल्स, टू गो थ्रू द रीसेंट हैपनिंग्स इन एंड अराउंड योर सोसाइटी. यू कैन टॉक टू योर पेरेंट्स, योर टीचर्स, योर सिबलिंग्स, योर फ्रेंड्स. इनसे आप थोड़ा सा गाइडेंस ले सकते हो कि हमारा अगर ऐसा कोई कॉम्पिटिशन है तो वॉट आर द थिंग्स दैट वी कैन प्लान अ बिजनेस आइडिया ऑन. राइट, तो रिसर्च इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इज़ द फर्स्ट स्टेप दैट यू नीड टू डू बिफोर फाइनलाइजिंग एन आइडिया. फिर आता है, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू नो, शार्क टैंक इज़ बेसिकली अ रियलिटी शो. ऑल राइट, अगर आपको नहीं पता तो यू विल गेट टू सी सम अमेजिंग बिजनेस आइडियाज़ ऑन यूट्यूब और अमेजॉन प्राइम, जिस पे आप शार्क टैंक के वीडियोस देख सकते हो. ये देखने के बाद आपको थोड़ा सा आइडिया आएगा एज टू वो प्रेजेंट कैसे करना है. वहाँ पे एक पैनल बैठी होती है, यू नो, पैनल ऑफ जजेस हु इज़ गोइंग टू जज यू, क्वेश्चन यू एंड प्रोबेबली आपके प्रेजेंटेशन के हिसाब से दे आर गोइंग टू डिसाइड वेदर दे शुड इन्वेस्ट इन योर बिजनेस और नॉट. ऑल राइट, सो वॉचिंग सम शार्क टैंक वीडियोज बिफोर यू मूव अहेड विद द प्रोसेस विल हेल्प यू प्रिपेयर बेटर. डोंट वरी, वी आर ऑल्सो गोइंग टू शेयर सम ग्रेट बिजनेस आइडियाज from actual Shark Tank as well as those videos which have been performed by our students in the past. So make sure कि आप अपने इनसे सिर्फ वो videos अच्छे से देख लें. All right? Then comes next, do not copy. All right? This is very important. हम definitely Google से help ले सकते हैं but सीधा सीधा blindly सारे presentations या business idea as it is copy करना is not going to help you win this. Okay? So make sure you have something really unique about your product before choosing the product. जैसे मैंने आपको बताया, रिसर्च के ही पार्ट में आएगा कि आप आइडेंटिफाई करें कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ द सोसाइटी और व्हाट इज़ अ प्रॉब्लम जो मेजर मेजॉरिटी ऑफ पीपल फेस करते हैं. उसके हिसाब से यू नैरो डाउन टू सम प्रोडक्ट और सम सर्विस विच कैन बिकम योर बिजनेस आइडिया. ऑलराइट, बट प्लीज़ अवॉइड कॉपिंग थिंग्स डिरेक्टली फ्रॉम द नेट, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू. ओके, नेक्स्ट कम्स using creative templates. Now I'm sure हमने सबने power of PPT में ये देखा था कि presentations को कैसे impactful बनाया जाता है. All right? And Shark Tank में आपका medium of presenting in front of the judges is going to be online on the presentation, on the PowerPoint presentation, right? So इसको हम जितना अच्छा aesthetically, visually beautiful बना सकते हैं, interactive बना सकते हैं, it is going to add to your chances of winning, okay? सो मेक श्योर कि आप बहुत ही अच्छे टेम्पलेट्स यूज़ करते हो. ठीक है, उसके लिए आई हैव मेंशनड सम नेम्स हियर. आप यहाँ पे जाएंगे स्लाइड्स गो और स्लाइड्स कार्निवल पे, यू विल गेट टू सी अ लॉट ऑफ टेम्पलेट्स विच यू सिंपली हैव टू डाउनलोड एंड देन जो भी आप अपना प्रेजेंटेशन बनाने वाले हो सिंपली उस टेम्पलेट में आप बना सकते हो. ऑल राइट, एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ,
if you are doing something, if your business idea is revolving around say robotics, all right, something related to machine or robots, तो यहाँ पे इसमें जाके Google पे you can type slides go और slidescarnival.com, वहाँ पे जाके आप search bar में robots, मशीन ऐसा कुछ लिखेंगे, यू विल गेट अ वैरायटी ऑफ टेम्पलेट्स विच आर रोबोट सेंट्रिक और मशीन सेंट्रिक एंड यू इट विल बी इजी फॉर यू टू मेक योर प्रेजेंटेशन लुक ब्यूटिफुल. ऑलराइट, नेक्स्ट इज डू नॉट मेक द पीपीटीज वेरी टेक्स्ट हैवी. नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स दैट वी हैव सीन थ्रू ऑल दीज मिनी एमबीए सीजंस. हमने जितने भी शार्क टैंक्स करे उसमें सबसे ज्यादा कॉमन मिस्टेक्स जो थी वो ये थी दैट पीपल टेंड टू राइट एवरी थिंग ऑन द प्रेजेंटेशन. नाउ इससे आपकी प्रेजेंटेशन जो आपकी पीपीटी है वो भी बहुत गॉडी, बहुत ही ज़्यादा मैसी लगती है, राइट? इट डजेंट लुक ब्यूटिफुल. मोर ओवर व्हेन यू पुट एवरी थिंग हियर योर यू टेंड टू रीड, ओके, जिसके कारण आपका प्रेजेंटेशन उतना इम्पैक्टफुल नहीं लगता. सो आप अच्छा प्रेजेंटेशन उसको हम बोलेंगे जहाँ पे आप पॉइंटर्स लिख रहे हो. जैसे वी हैव मेंशनड हियर, आई हैव नॉट रिटन एवरीथिंग हियर, आई हैव जस्ट मेंशन द पॉइंट्स एंड देन आई एम इलैबोरेटिंग दोज पॉइंट्स. ऑलराइट, सो मेक श्योर आप अपना पीपीटी उतना टेक्स्ट हैवी नहीं बना रहे, लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिख लिए एंड एवरीथिंग यू जस्ट कट एंड कॉपीड ऑन दिस, इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू मेक अ गुड इम्पैक्ट. ओके, सो प्लीज़ डोंट मेक योर पीपीटीज वेरी टेक्स्ट हैवी, कीप इट वेरी कंसाइज टू द पॉइंट एंड पॉइंट्स में करना वुड बी द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू. नेक्स्ट, यूज इमेजेस, इन्फोग्राफिक्स. जैसा मैंने बोला कि सिर्फ टेक्स्ट होगा तो यू नो वो बहुत ज़्यादा अच्छा इम्प्रेशन नहीं देता है. रादर इफ़ यू मेक यूज ऑफ गुड इमेजेस विच आर पर्टेनिंग टू योर टॉपिक, योर प्रोडक्ट और योर सर्विस. इन्फोग्राफिक्स मतलब अलग अलग तरह की स्टैटिस्टिक्स आप यूज़ कर सकते हो, बार ग्राफ दिखा सकते हो, पाई चार्ट दिखा सकते हो टू शो कि हमारा इन्वेस्टमेंट इतना होगा, हमारा 5 years में प्रॉफिट हम इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं. ये सारी चीज़ें जो न्यूमरिकल्स आ जाते हैं उन सारी चीज़ों को अगर आप ब्यूटीफुल इन्फोग्राफिक्स में डिस्प्ले करते हो तो व्यूअर के लिए भी वो इजीली देख के समझना आसान हो जाता है. ठीक है, सो प्लीज़ मेक यूज़ ऑफ गुड इमेजेस एंड इन्फोग्राफिक्स. ऑल्सो वन मोर थिंग, पीपल हैव दिस हैबिट ऑफ यू नो सिंपली टेकिंग पिक्चर्स फ्रॉम गूगल एंड देन अगेन कॉपी पेस्टिंग इट इन द प्रेजेंटेशन, बट देर इज़ वन थिंग विच यू कैन यूज दैट इज रिमूव बैकग्राउंड. ओके, उसमें क्या होता है जो अननेसेसरी पिक्चर के सराउंडिंग में बैकग्राउंड होता है ब्लैक कलर का, वाइट कलर का, यू कैन रिमूव दैट. ओके, सो उससे आपका पिक्चर और रियलिस्टिक लगेगा. फाइन, माइंड द टाइम लिमिट वाइल मेकिंग द प्रेजेंटेशन. अब पहले से ही आप एक आउटलाइन बनाते हो कि अगर हमें 10 minutes का टाइम लिमिट दिया गया है सो दीज आर द थिंग्स आई हैव टू कवर एंड इफ आई एक्सीड द टाइम लिमिट इट्स जस्ट गोइंग टू वर्क अगेंस्ट मी एंड माई टीम. ओके, सो आप जब भी वो प्रिपेयर भी करते हो, एक आउटलाइन बनाते हो, तो मेक श्योर दैट यू स्टिक टू द टाइम लाइन. अगर 10 minutes का है तो आप समवेयर अराउंड 8 minutes का प्रेजेंटेशन प्रिपेयर करो, बिकॉज 2 minutes ऊपर नीचे जाती है व्हेन यू आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अदर, राइट? तो टाइम लिमिट विल बी यू नो टोटली इन योर हैंड्स एंड मेक श्योर यू डू नॉट एक्सीड दैट. ऑलराइट, उसके बाद आता है योर सेकेंड स्टेप, योर सेकेंड पार्ट ऑफ द प्रोसेस, दैट इज प्रैक्टिस. नाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट वी नीड टू कीप इन माइंड व्हेन वी प्रैक्टिस for our business ideas and for the presentation. All right, so jab aap practice karne wale ho we are going to have a lot of team meetings. ठीक है, मतलब आप लोग इंटरनली ये सारी मीटिंग्स कंडक्ट करेंगे, आप शेड्यूल करेंगे कि आप कब कब मिलने वाले हो. नाउ बिकॉज यू हैव वेरी लिमिटेड टाइम गाइज, मेक श्योर कि एवरीबडी इज़ अवेलेबल. आप जो भी टाइम डिसाइड करते हो मीटिंग करने के लिए हर एक का होना बहुत ज़रूरी है, राइट? अजेंडाज अगर आप डिसाइड करोगे तो मीटिंग्स विल बी शॉर्टर बट मोर इफेक्टिव. ओके, अगर हम सब बस मिल लिए एंड वी लाइक अब क्या करें, कहाँ से शुरू करें, वी डोंट नो वेयर टू गो एंड वॉट टू डू, राइट? सो इन दैट केस इफ यू डिसाइड ऑन एन अजेंडा for the meetings that you schedule, it will be easier for you to sort things out and the productivity will increase. All right,
सो डू नॉट मिस आउट ऑन अटेंडिंग एनी टीम मीटिंग्स. ओके, अब मेरे ट्यूशंस हैं, मेरी एग्ज़ाम्स आने वाली है, मैं स्कूल में हूँ, बहुत सारे रीजंस होते हैं लोगों के पास. बट गाइज, दिस इज़ वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी. ओके, ये आप बार बार नहीं करने वाले हो, तो आप ट्राई कीजिएगा कि आप सबका टाइम एडजस्ट करने की कोशिश करें. बट अगर ये होता है कि मैम ये भी नहीं आ रहा, वो भी नहीं आ रहा, सो दैट्स नॉट अ टीम एफर्ट एंड अल्टीमेटली आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे बिकॉज सम पार्टिसिपेंट्स वर देयर, सम वर एब्सेंट. इट्स to impact your performance. Okay, so make sure aap sabko saath mein leke chale, which brings me to my next point. Involve everybody in your presentation. Okay, aap apna jo bhi sara pura प्रेजेंटेशन बनाने का टास्क है, बिजनेस आइडिया सोचने का टास्क है, एडवर्टिजमेंट बनाना, जिंगल बनाना, लोगो डिज़ाइन करना, ब्रांड नेम डिज़ाइन करना, देर आर सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस. सो इट्स बेटर इफ़ यू डिवाइड एंड एलोकेट द वर्क अमंग योर टीम मेम्बर्स एज पर देयर कैलिबर. ओके, अब कुछ लोग होंगे जो वीडियो मेकिंग में बहुत अच्छे हैं, सम पीपल फील दैट यू नो मैं मार्केटिंग एक्यूमन इज़ बेटर, मैं मेरे पापा से या मम्मा से डिस्कस करके कुछ मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज ला सकता हूँ. तो लेट हिम डू दैट थिंग. इफ़ यू फील दैट यू आर समवन हु इज़ वेरी गुड इन मेकिंग PPTs, सो यू शुड टेक अप दैट चार्ज. सो बेस्ड ऑन द क्वालिटीज एंड कैलिबर ऑफ योर टीम मेम्बर्स, यू मस्ट डिवाइड योर वर्क अकॉर्डिंगली, बट मेक श्योर that you involve each and every participant in this process. All right? Do not quarrel over petty things. All right? बहुत सारे ऐसे केसेस हमारे साथ हुए जहाँ पे छोटे छोटे आर्ग्यूमेंट्स के कारण यू नो द टीम फाइट्स अमंग themselves. इसमें क्या होगा गाइज, बाकी सारे लोगों की टीम सॉर्टेड होगी, बट अगर आप लोग इंटरनली झगड़ोगे तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो एंड यू नो वो टीम स्पिरिट, जो एक टीम स्पिरिट दिखानी चाहिए, वो चीज़ लैक करेगी आप में. एंड दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग. ओके, सो वी हैव टू ट्राई एंड कोऑर्डिनेट एंड कोऑपरेट विथ एवरी टीम मेम्बर इन द बेस्ट वे पॉसिबल. ओके, सो छोटी बात पे अगर कभी कोई आर्ग्यूमेंट भी हो जाता है, जस्ट रिमेंबर दैट यू आर लर्निंग समथिंग न्यू, यू हैव योर परफॉर्मेंस इन प्रोबेबली अ कपल ऑफ डेज. So let's not waste time on fighting and quarreling and arguing over stupid matters, but hum usme se kuch productive nikal ke us cheez ko jald se jald khatam karke kuch acha present kare. All right, give designations to all the team players as per their role. Now aapko orientation mein bhi bataya hoga ki sare जो टीम मेंबर्स होते हैं, व्हेन दे प्रेजेंट दे गिव देमसेल्व्स डेजिग्नेशंस. ओके, सो नाउ इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, आई विल डेजिग्नेट मायसेल्फ एज अ CMO, दैट इज चीफ मार्केटिंग ऑफिसर. इफ समवन टेक्स केयर ऑफ द टेक्निकल पार्ट, ही कैन बी अ CTO, राइट, दैट इज चीफ टेक्निकल ऑफिसर, समवन हुज प्लान्ड एंड यू नो केम अप विद द आइडिया एंड एग्जीक्यूटेड द एंटायर प्लान. He or she can be called a CEO, that is Chief Executive Officer, COO, CHRMO, right? So, ऐसे बहुत सारे अलग अलग designations हैं जो आप अपने आप attach कर सकते हो, आप अपने आप को associate कर सकते हो उसके साथ, and that gives a very formal and professional feel when the sharks actually see your presentations. Okay? Conduct dry runs and rehearsals as and when required. Now this is very very important. Okay, आपका पूरा preparation का practice का जो part है वो ये रहेगा कि आप कितना ज़्यादा time देते हो पूरा पूरा presentation को rehearse करने के लिए, practice करने के लिए, dry runs कर रहे हो. ठीक है, इससे ये पता चलता है कि आप डी डे पे, ऑन द डे ऑफ प्रेजेंटेशन, आप कैसा परफॉर्म करोगे. ऑल राइट, सो हैव एटलीस्ट आई मीन मिनिमम ऑफ टू रिहर्सल्स एंड ड्राई रन्स बिफोर योर एक्चुअल परफॉर्मेंस. ओके, ऑल राइट, नाउ गोइंग अहेड विद द थर्ड एंड फाइनल प्रोसेस ऑफ एंटायर शार्क टैंक इज
presentation. So on the day of presentation, what all things you need to keep in mind? What are the do's and don'ts that you need to do and follow on the D-Day is what we are going to look at here. All right? Make sure you have a good internet connection. Guys, कई बार ऐसा होता है कि हमारा presentation बहुत ही amazing बना है and we've practiced really well, but अल्टीमेटली हमारा इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं है. सारे टीम मेंबर्स में से किसी एक का भी इंटरनेट कनेक्शन ठीक नहीं है तो वो पूरी टीम के परफॉर्मेंस पे इम्पैक्ट करता है, राइट? सो जस्ट मेक वेरी वेरी श्योर कि आप एक बहुत अच्छे कनेक्टिविटी में हो. ज़रूरत पड़े तो आप अपने नेबर के घर पे या आप अपने स्कूल में या ट्यूशन क्लास में या अपने रिलेटिव के घर कहीं पे भी जा सकते हो वेर यू हैव अ गुड कनेक्टिविटी. ऑल राइट, अगर बार बार वो लोड होगा और बार बार बफर होगा, डिस्कनेक्ट होगा, तो आपकी टीम का परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा इम्प्रेसिव नहीं रहेगा. ऑल राइट, सो गुड कनेक्शन इज़ अ मस्ट फॉर दैट डे. ऑल राइट, share your PPT with all the team members. Again, कई बार ऐसा होता है, you never know, कोई भी emergency के कारण जिस person ने आपकी PPT बनाई है, somehow he doesn't turn up on that day, all right? या उसके घर में कोई emergency आ गई, कोई guest आ गए, उसको कहीं जाना पड़ा, वो बीमार पड़ गया, for XYZ reasons, if that person doesn't turn up, तो पूरी presentation will be in vain, your practice and everything goes in vain, okay? So make sure आप जो भी PPT बनाते हो वो हर एक टीम मेंबर के साथ शेयर्ड है, सो दैट इवन इफ वन पर्सन डजंट कम और डिच यू ऑन दैट डे, द अदर्स हैव इट एंड द अदर्स कैन टेक इट, बिकॉज अल्टीमेटली द शो मस्ट गो ऑन नो मैटर वॉट. डू नॉट सिंपली रीड फ्रॉम द PPT. उस दिन जब आप प्रेजेंट करने के लिए आते हो स्क्रीन पे, तो आप जो PPT पे लिखा है वही पढ़ के बोल दिया, तो पढ़ना वो सारे जजेस को भी आता है, जहाँ आपके सामने शार्क्स बैठे उनको आता है, तो पढ़ना रीडिंग का कॉम्पिटिशन नहीं है ये, ठीक है? आप वो पॉइंटर्स पढ़ के या देख के कैसे अच्छे से एक्सप्लेन करते हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने फिनेंसिस के बारे में, अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में, लॉजिस्टिक्स के बारे में, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके? सो इंटरैक्ट, That's my next point. Interact with the judges rather than simply reading from your PPT. Okay? जितना आप अपने judges को, sharks को involve करोगे, engage करोगे अपनी PPT में, उतना ही उनका concentration ज़्यादा बना रहेगा. And there are chances of winning if they like your presentation because you have constantly interacted with them. Do not read, interact, talk. And engage your judges while you are present, giving the presentation. Again, do not exceed the time limit. अब उस दिन क्या होता है जब हम बात करने लगते हैं and we start talking about the different aspects of our business ideas, we tend to just like go in the flow and start with narrating stories and all. तो उस टाइम पे हमें ज़्यादा आइडिया नहीं रहता कि हम हमारे पास कितना टाइम बाकी है. ऑल राइट, एंड वी आर बाउंड टू एक्सीड द टाइम लिमिट दैट हैज़ बीन एलोकेटेड टू अस, विच माइट फेच यू नेगेटिव पॉइंट्स. ओके, सो ट्राई टू स्टिक टू द टाइम लिमिट, और कोई भी रीज़न से हम वो टाइम लिमिट को एक्सीड नहीं करेंगे, ठीक है? Wear formals. Now, जिस दिन आपका presentation है, it would be really appreciated and preferred if you guys can come in nice formal shirts. अगर है तो tie पहन सकते हो. It's not a compulsion, but this is something which can be preferred. Okay? आपका ये जो video होगा, आपका जो पूरा presentation होगा, वो YouTube पे रहेगा हमेशा के लिए. तो इवन इफ यू वॉन्ट टू शो योर फ्रेंड्स इन स्कूल, योर टीचर्स, वैन यू आर स्मार्टली ड्रेस्ड इन प्रोफेशनल्स, यू नो, एक बहुत अच्छा इंप्रेशन देता है वो. तो अगर आपके पास है, टाई है, शर्ट्स है, ब्लेजर्स है, तो आप डेफिनेटली वो पहन सकते हो. इसका मतलब ये नहीं है कि हम मम्मी पापा को खड़े खड़े बोले कि चलो हमारे लिए शॉपिंग करो. दैट्स नॉट वॉट इट इज़. इट्स नॉट कंपल्सरी गाइज. इट्स समथिंग विच इज़ प्रेफर्ड. इफ़ यू हैव इट, इट वुड बी ग्रेट इफ़ यू कैन वेयर इट. All right, and common virtual backgrounds. I'm sure आप लोगों को virtual backgrounds क्या है पता है, because in all these meetings that we've had, आपने पीछे बहुत सारे colorful, अतरंगी virtual backgrounds change किए हैं throughout. So you guys can have a common virtual background for your team members while you're presenting the
बिजनेस आइडिया, ओके. अब वो वर्चुअल बैकग्राउंड कैन बी द लोगो ऑफ योर कंपनी, इट कुड बी द नेम एंड टैगलाइन ऑफ योर प्रोडक्ट, राइट. इट कुड बी एनी थिंग, एनी सिंगल कलर. ब्लू कलर है तो आप जितने भी 7-8 मेंबर्स है एक टीम में, उन सबका वर्चुअल बैकग्राउंड ब्लू है. बट दैट शोज यूनिफॉर्मिटी, दैट शोज यू ऑल बिलोंग टू वन टीम, ओके. एंड वो विजुअली भी ज़्यादा अपीलिंग होता है. सो मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें आप फॉलो करें. एंड आई थिंक दैट वॉज इट फ्रॉम माई एंड. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस पर्टेनिंग टू शार्क टैंक, वी ऑल आर देयर इन द व्हाट्सएप ग्रुप्स. यू कैन गेट इन टच विद अस, यू कैन कॉल अस, यू कैन टेक्स्ट अस, एंड वील मेक श्योर कि हम आपकी सारी क्वेरीज सॉल्व करें. बट फॉलोइंग दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू टेक यू अ स्टेप क्लोजर टू विनिंग. सो मेक श्योर आप ये सारे डूज एंड डोंट्स माइंड में रखें एंड गिव द बेस्ट शॉट. बी वेरी वेरी कॉन्फिडेंट, ऑलवेज वेयर अ स्माइल. आप जो कर रहे हो अपने एज में, दैट इज बियॉन्ड एवरीबडीज एक्सपेक्टेशंस. ऑल राइट, सो यू आर ऑलरेडी विनर्स फॉर अस. जो आपने 7 days में नई नई चीज़ें सीखी है, दैट इज द बिगेस्ट लर्निंग फॉर यू गाइज, ओके. सो विनिंग एंड लूजिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट जो जर्नी आपने करी है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर शार्क टैंक, and I'm going to see you on the day of your presentation. Thank you.